अभी अपन यहाँ पे टैली ओपन कर रहे हैं, टैली बनाएंगे। अंडर एफएम से कंपनी से बाहर चलते हैं, सी प्रेस करके कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। बोली फसल बोली व्यापार प्रारंभ किया 10 लाख रुपए ना, तो यहाँ पे एलसी से लेजर बना लेंगे। कैपिटल अकाउंट अंडर में आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट एंटर करके से अब एसटीएफ से बेच चलते हैं। वाउचर एंट्री के लिए आप वी प्रेस करेंगे, एंट्री करेंगे एफ से रिसिप्ट टू में आ जाएगा कैपिटल अमाउंट। बाय में केस एंटर करके सेव। नेक्स्ट बोलिंग क्वेश्चन बोलो। सेकंड माल खरीदना तो एंट्री करेंगे एफ 9 से परचेज वाउचर। यहाँ पे आप एच वाउचर सेलेक्ट करेंगे। अब नगद माल है तो टू में क्या आ जाएगा केस। कंट्रोल प्लस एन करते हैं, कितना अमाउंट है 65,000 रुपये। पहले ट्रेड डिस्काउंट कितना है, मल्टीप्लाई 3/100। अमाउंट आ जाएगा 1950। 65,000 में से माइनस कर देंगे 1950, अमाउंट आएगा 63,050। अब इस पर आपको निकालना है यहाँ पे केस डिस्काउंट कितना है 2% मल्टीप्लाई 2/100। अमाउंट आ जाएगा 1261। आप इसमें से ये अमाउंट यहाँ पे माइनस कर देंगे, अमाउंट आएगा 61,789। केस के सामने आपको कितना लिखना है 61,789। और बाय में आ जाएगा परचेज, अल्टे प्लस सी से परचेज का ले जाओ। अंडर में आ जाएगा परचेज अकाउंट एंटर करके सेव। अब इसमें अमाउंट कितना डालेंगे, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 63,050। और टू में आ जाएगा डिस्काउंट, अल्टे प्लस सी से डिस्काउंट का लेजर बना लेंगे। डिस्काउंट अकाउंट ये डिस्काउंट कौन सा है परचेज वाला, सॉरी डिस्काउंट ही स्पेंड का। इसको आप अंडर में डाल देंगे इनडायरेक्ट इनकम, एंटर करके सेव। इसमें अमाउंट आ जाएगा 1260, एंटर करके सेव। नेक्स्ट बोलिए मोहन से माल खरीदना है, माल खरीदने की एंट्री किसमें करेंगे परचेज वाउचर। अब अपन कौन से उसमें एंट्री करेंगे इनवॉइस, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एस इनवॉइस। पार्टी अकाउंट नेम में आ जाएगा मोहन, अल्टे प्लस सी से मोहन के नाम का ले जाना दी मोहन अकाउंट। अंडर में आ जाएगा सैंडविच राइटर, एंटर करके सेव। परचेस लेजर में परचेस अल्टे प्लस सी से स्टॉक आइटम बनाते हैं। आइटम बोलो डेल कंप्यूटर, अंडर में इसका ग्रुप हो जाएगा कंप्यूटर। अल्टे प्लस सी से ग्रुप बनाते हैं कंप्यूटर, एंटर करके सेव। अल्टे प्लस सी से यूनिट बना लेंगे, यूनिट हो जाएगी पीसेस, एंटर करके सेव कर देंगे। कितने पीस है अपन यहाँ पे प्रेस करते हैं F11। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, इसको आप यस कर देंगे, एंटर करके सेव कर दें। अब आप डेल कंप्यूटर के बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा गोडाउन, अल्टे प्लस सी से अपन यहाँ पे बना लेते हैं गोडाउन 1। अंडर में आ जाएगा प्राइमरी, कितने पीस है
इतना ही था रेंटल करके से। नेक्स्ट बोलिए, माल बेच रहे हैं तो एंट्री कर रही है फेड से सेल्स वाउचर। पार्टी अकाउंट नेम में आ जाएगा केस, सेल्स लेजर में क्या लिखेंगे, सेल्स अल्टा प्लस सी से सेल्स का लेजर। इसको आप अंडर में डाल देना सेल्स अकाउंट। अब क्या सेल कर रहा है, जेवरन कंपनी। मेन लोकेशन पे था, कितने पीस, 8 करोड़ 30 हजार। 30 हजार एंटर करके सेव। नेक्स्ट वाली एंट्री कर रही है एफ सिक्स से, रिसीव वाउचर में कमीशन मिल रहा है, टू में क्या आ जाएगा कमीशन। अल्टा प्लस सी से कमीशन को ले जा बना देंगे, कमीशन अकाउंट। अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम, एंटर करके सेव अमाउंट। और बाय में आ जाएगा केस, एंटर करके सेव कर लेंगे इतना। नेक्स्ट बोलिए, अभी अपन वो फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, अपन इसमें 1 फरवरी 2023 को नजद फर्नीचर खरीद रहे हैं 65 हजार, जिसपे रेट ऑफ डे पे 20% है ना, 60 हजार है। इन्होंने तो बोला 65 हजार, ठीक है। आप 1 फरवरी 2023 को फर्नीचर खरीद रहे हैं, कितने का, 60 हजार, इस पर रेट ऑफ डे कितना है, 20%, ठीक है। फिर 1 अक्टूबर 2023 को अजय का फर्नीचर बेच दिए, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, पहले एक्सेल में की कैलकुलेशन मिनिमाइज करते हैं। यहाँ पे अपन टैली एक्सेल ओपन करते हैं, ठीक। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, इसको अपन यहाँ से हटा देते हैं इनसे। आप यहाँ पे डालेंगे कॉस्ट प्राइस, कितने में खरीद रहे हैं, 60 हजार। रेट ऑफ डेट कितना है इस पे, 20%। आपको निकालना है पर ईयर डेट, तो आप इक्वल लगाते हैं कॉस्ट प्राइस में, मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट ऑफ डेट, एंटर करेंगे तो यहाँ पे पर ईयर का डेट आ जाएगा। आप मैं परसेंट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर रेट ऑफ डेट भी डाल सकते हैं, कितना अमाउंट आ जाएगा, 12 हजार। आप आपको निकालना है पर मंथ डेट, तो आप इक्वल लगाते हैं पर ईयर डेट में डिवाइड कर देंगे 12, एंटर करेंगे 1 महीने कितना हो जाएगा, 1 हजार। अब आपको निकालना है 1 दिन का, तो इक्वल लगाना 1 साल का लेना पर ईयर डेट का सेलेबरेट, डिवाइड कर देना 365, एंटर करेंगे तो पर डे का यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, निकाल लेंगे इतना आप लोग। अब अपन से निकालना है यूज डे, 1 दिन में इतना लग रहा है, 1 महीने में इतना और 1 साल में इतना। अब अपन ने इसका कितने दिन यूज किया है, अपन ने इसको परचेज किया है 1 फरवरी 2023 और सेल कर दिया 1 अक्टूबर 2023 को, तो आप क्या करेंगे, इक्वल लगाते हैं जब आपने इसको सेल किया सेल एड्रेस माइनस कर देना जब आपने इसको परचेज किया, एंटर करेंगे तो यूज डेट अमाउंट आ जाएगा, कितना है, 242। कितने दिन यूज किया, अब यूज डेट है 1 दिन का डेप है 3300, अब यूज कितने दिन किया, 242। इतने दिन का डेप का अमाउंट कितना, इक्वल लगाते हैं यूज डेट का सेल एड्रेस मल्टीप्लाई कर देना पर डे का, ठीक है, या पहले पर डे का लेकिन मल्टीप्लाई कर देना यूज डेट, एंटर करेंगे तो अमाउंट आपका सेम आया। क्लियर है, अब आपको यहाँ निकालना है सेलिंग प्राइस। आपने इसको 60 हजार में 1 फरवरी को खरीदा और 1 अक्टूबर को आप इसको डेप लाने के बाद, मतलब कितना डेप लग रहा है इस पर, 7956, ये डेप लाने के बाद कितने में ये सेल होना चाहिए, तो इक्वल लाते हैं कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे यूज डेट डेप, अमाउंट कितना आ जाएगा, 52044, इतने में ये सेल होना चाहिए। अब नेट सेलिंग प्राइस, सेल कितने में हो रहा है, 40 हजार हो रहा है। अब आपको इस पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, इक्वल लगाते हैं नेट सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, अमाउंट कितना आ रहा है, 12044, माइनस में आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, लॉस। क्लियर है, इतना कर लेंगे, इतने में तो डाउट तो नहीं। अब अपन चलते हैं टैली। सबसे पहले अपन ये फर्नीचर कैसे खरीद रहे हैं, नजद, नजद है तो आप